हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्फेरिकल मिरर जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारे टर्म को डिफाइंड किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कारण जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो टर्म आता है इमेज, वो क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो, इमेज क्या होता है? When ray of light meet or appear at a point after reflection through a mirror, then it is called image. जब किसी स्फेरिकल मिरर पे रे इंसिडेंट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मिल रहा है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। तो इमेज यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, पहला रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो देखो मैं दो मिरर को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, पहला मैं क्या कर रहा हूँ, कनकेव मिरर ले रहा हूँ। ठीक है, कनकेव मिरर ले रहा हूँ। ठीक, कनकेव मिरर के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और ये जो पोल से स्ट्रेट लाइन पास करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिसको मैं पी ए लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पी ए लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट है ए बी। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मान लेते हैं सी है और ये पॉइंट एफ है। ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो फोकस से पास होगा। ठीक है, कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से इंसिडेंट होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों रे किस पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही है? इस पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ये होगा हमारा इमेज। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, व्हेन रे ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिला, तो इस पॉइंट को पे जो मिला है तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बना है? इमेज फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के पास भी अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर के मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, इसके पास अपना फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे जिसका हाइट है ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे को कंसीडर करते हैं। ठीक, अब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से गुजरता हुआ हम लोग को अपीयर होगा? फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास होगा। दूसरा रे हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा। तो देखो ये पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये फोकस पे मिल रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखो तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पे इस पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो देखो यहाँ पे जो मिला है दोनों रे वो इस पॉइंट पे मिला है।
देखो ये लाल वाला रे यहाँ पे इस पॉइंट पे और ये पैरेलल रे, दोनों इस पॉइंट पे मिला है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा और ये छोटा होगा, तो ए डैश बी डैश। तो देखो कॉनकेव मिरर में इस केस में हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रे है वो मिला हुआ है और इस पॉइंट पे मिलता हुआ हम लोग को अपीयर हो रहा है, तो इसमें जो इमेज जो बन रहा है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। और इसमें कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। तो यहाँ पे इमेज का कंसेप्ट क्लियर। इमेज दो टाइप्स का होता है, पहला रियल और दूसरा वर्चुअल। रियल इमेज कब बनेगा, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा किसी मिरर पे और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, तो उसके कारण जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर होगा, उस केस में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो रियल इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज रियल, ठीक। और वर्चुअल इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट देन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज वर्चुअल।